सुप्रभात विद्यार्थियों, बालूनी के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के अध्याय 9 के अंदर अनुबंध अधिनियम पढ़ रहे थे। अनुबंध अधिनियम 1872 एक एक्ट, हमने अनुबंध के बारे में बात की और अनुबंध के कुछ लक्षणों को गत वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने अनुबंध के कुछ 5 लक्षणों को पढ़ लिया था कि ये जब लक्षण निहित होते हैं तब ये अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पक्षकारों के बीच में या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध होता है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए या फिर किसी ठहराव को मंजूरी देने के लिए, उनको हमने पढ़ा था। आज जो है हमारे कुछ बिंदु है जो रह गए थे, 5-6 बिंदु और रहे हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा में बात करेंगे। अनुबंध को पहले ही मैं समझा चुका हूं कि अनुबंध क्या होता है, जो एक ऐसा ठहराव होता है जिसमें हमें एक प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और सामने वाला प्रस्ताव ग्रहीता उसे उस प्रस्ताव को स्वीकृत करके स्वीकृति देता है और वो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो। उसके अंदर तमाम प्रकार के लक्षण थे, दो या दो से अधिक पक्षकार का होना, ठहराव का होना, स्वतंत्र सहमति का होना। उसमें जो आज हमारा है पक्षकारों में बीच में जो स्वतंत्र सहमति है, स्वतंत्र सहमति से हमारा क्या तात्पर्य है उसके बारे में बात करेंगे। वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य, विधान के उद्देश्य होना चाहिए, निश्चितता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इन बिंदु के बारे में मैं बात करूंगा। अरे, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति से क्या तात्पर्य है? जब एक प्रस्तावक किसी प्रस्ताव ग्रहीता के सामने प्रस्ताव रखता है, अब वो प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को ग्रहण करके स्वीकृति प्रदान करती है, वो स्वीकृति एकदम स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से स्वीकृति होने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, कोई भी कपट से उससे कुछ चीज हड़पनी हमें नहीं चाहिए, उसके ऊपर उत्पीड़न करकर उस पर बाधा डालकर उत्पीड़ा देकर कोई भी चीज उसे ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गलती से कोई भी चीज अपने पास आ रही है वो भी एक कपट की दृष्टि से गलत है, अनुचित प्रभाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सामने वाला जो भी प्रस्ताव को ग्रहण कर रहा है और स्वीकृति दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट स्वीकृति होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं कि आप किसी से मकान खरीद रहे हो, वो मकान 10 लाख की कीमत का है और आप उन पर दबाव डालकर, उनके ऊपर जोर डालकर, उनके ऊपर आरोप लगाकर, अनुचित प्रभाव डालकर, उन्हें तंग करकर, मानसिक रूप से उन्हें परेशान करकर वो मकान 10 लाख के मकान को आप 1 लाख रुपए में स्वीकृति, अगर प्रतिफल तो आप ले रहे हो मगर उस पर 1 लाख रुपए आप ले रहे हो जो 10 लाख की कीमत का है, उन पर इस प्रकार दबाव डालकर आप ले रहे हो, तो एक स्वतंत्र सहमति नहीं है। इस प्रकार का किया गया अनुबंध राजनीय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है और अगर इस पर कार्रवाई होगी बिल्कुल ये एक अवैधानिक अनुबंध है, ये नीति के विरुद्ध होता है। गौर करें विद्यार्थियों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति कैसे होनी चाहिए। आप किसी पर जोर डालकर, किसी पर अनुचित प्रभाव डालकर, दबाव डालकर किसी से आप अनुबंध नहीं करा सकते हो, ये स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। अनुबंध का पहला लक्षण है कि दो या दो से अधिक पक्षकार हो और पक्षकारों के बीच में जब एक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव को ग्रहण करता है और स्वीकृति प्रदान करता है वो स्वतंत्र हो, उसको किस प्रकार का भी दबाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसके अंदर आप उसको धोखाधड़ी करकर, उसको मानसिक रूप से परेशान करकर इस प्रकार अगर आप कोई भी चीज को स्वीकृति लेते हो तो ये गलत है और ये अनुबंध राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और गौर करें विद्यार्थियों, जैसे इसके अंदर अगर हम कपट की बात करें तो कपट की एक हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रावधानों को, कपट की धारा 15 क्या कहती है। अगर हम कपट है कपट की धारा 17 है, माफ कीजिएगा, कपट की धारा 17 है, उत्पीड़न की धारा 15 है, 15 उत्पीड़न की धारा, कपट की धारा 17 के बारे में हम बात करेंगे। वैसे मिथ्यावर्णन यानी कि 18 साल की उम्र में जो व्यक्ति मिथ्या यानी झूठ बोलता है, मिथ्यावर्णन 17 यानी कपट 17 पे आया खतरा, उस प्रकार से हम कपट करते हैं। तो इस प्रकार की धाराएं हैं, धाराओं को आगे हम उल्लेख करेंगे। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको समझाया, अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पक्षकारों के मध्य सहमति स्वतंत्र होना अनिवार्य है। इस अनुबंध में ये लक्षण है कि पक्षकार जो भी एक दूसरे के साथ अनुबंध करें तो उनमें स्वतंत्र सहमति होना बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि आप उस पर शारीरिक, मानसिक दबाव या धोखा, भ्रम या गलती से अनुबंध करने के लिए सहमति दी जाती है तो वो स्वतंत्र सहमति ना होकर एक उत्पीड़न होती है। क्या आप किसी को शारीरिक रूप से परेशान करते हो, मानसिक रूप से किसी को परेशान करते हो, या किसी से गलती से कोई कार्य करवाते हो, या उसे भ्रम में डालकर धोखा देकर करते हो तो वो स्वतंत्र सहमति ना कहकर वो एक उत्पीड़न होती है, जो धारा 15 की बात करते हैं एक अनुचित प्रभाव होता है और कपट होता है धारा 17 की बात करते हैं, मिथ्यावर्णन धारा 18 की बात करते हैं और ये गलती के आधार पर
ऐसी सहमति प्राप्त होती है जो सही नहीं है और जो स्वतंत्र सहमति नहीं है, पक्षकारों में के बीच में ही अनुबंध गलत अनुबंध होता है। आप किसी को शारीरिक रूप से परेशान कर, उसे मारकर, उसे धमकाकर, उसे पीटकर, उसे मानसिक रूप से परेशान कर, ऐसे ऐसे उनके सामने घटनाएं घटाकर उनसे कोई भी चीज आप हड़प रहे हो, धोखा दे रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो, किसी से कोई गलती करवाकर कोई अनुबंध करवा रहे हो, तो ये सहमति स्वतंत्र ना होकर उत्पीड़न है, अनुचित प्रभाव है, मिथ्या वर्णन है, गलती है, के आधार पर ली गई एक ऐसी सहमति है जो स्वतंत्र नहीं होती है और न ही अनुबंध को बाधित करती है। गौर करें विद्यार्थियों, इस प्रकार पक्षकारों में ये स्वतंत्र सहमति हर एक का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। सातवां बिंदु वैधानिक प्रतिफल। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने एक प्रस्ताव रखा अपने मित्र के सामने कि मुझे तू तेरी कार प्रदान कर दे, अब जब मैंने उसे कार ली और कार वो विधान के अंदर एक सही कार होनी चाहिए, वो चोरी चपाट की कार नहीं होनी चाहिए, उसके कागज बिल्कुल वेल ओके होने चाहिए, मैंने वो प्रस्ताव रखा और उसने वो कार मुझे देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। अब उस कार के बदले मैं कुछ उसे प्रतिफल दूंगा, कुछ पैसे मुझे देने पड़ेंगे, जो भी मैं हम तय करेंगे, एक कपट नहीं हो, अनुचित प्रभाव नहीं हो, उसकी स्वतंत्र सहमति, और मैं उसे अगर उस कार की कीमत 1,00,000 रुपए प्रतिफल के रूप में दे रहा हूं, तो प्रतिफल यानी कुछ के बदले कुछ वहां जाना जरूरी है, उसके पास पैसा आना जरूरी है, तो ही वो प्रतिफल वैधानिक प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल के बिना कोई भी अनुबंध नहीं हो सकता, कोई भी ठहराव नहीं हो सकता, विधान होना चाहिए, वैधानिक अनुबंध होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल का मतलब है एक वैध अनुबंध में वैध प्रतिफल जरूरी है। कैसा प्रतिफल भी कैसा होना चाहिए, वैध प्रतिफल जरूरी है। अब वो उस कार के बदले कुछ ऐसी अवैध चीजें, उन्हें शराब रूपी कुछ बांट रहा हो और भी ऐसी कई टॉक्सिन्स वगैरह ऐसे बांट रहा हो, तो वो वैध प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल एक बिल्कुल वैध होना चाहिए जो वैधानिक हो। प्रतिफल अगर नहीं है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका वाली बात है, विद्यार्थी गौर करें, प्रतिफल के बिना ठहराव हमेशा व्यर्थ होता है। अगर प्रतिफल नहीं, मैं उसे अगर एक कार बांट रहा हूँ, कार वो मैं उसे अगर एक कार ले रहा हूँ और मैं उसे कुछ भी पैसे नहीं दे रहा हूं, तो ये एक वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करता है। ये हमारा कोई एक भाईचारा है, ये हमारा कोई एक मित्रता है, मित्रता की भावना को पैदा करता है, मेरा उसे कुछ नहीं लेना। जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि मेरी शादी थी, समझे उदाहरण के तौर पर, मेरी शादी थी और मेरी बहन ने मुझे उपहार स्वरूप स्कूटी भेंट कर दी, क्या ये हमारे बीच में अनुबंध हुआ? ये अनुबंध नहीं हुआ। अब उन्होंने मुझे स्कूटी भेंट की है तो वो मेरे लिए एक तोहफा है और तोहफे के तौर पर मैंने उन्हें कुछ प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं दिया। अगर उन्होंने मुझे स्कूटी भेंट की होती और मैं उन स्कूटी के तोहफे के तौर पर ना लेकर उसे कुछ पैसे देता, तो हमारे बीच में एक ऐसा अनुबंध हुआ होता कि मैंने उन्होंने मुझे स्कूटी बेची है और मैंने उन्हें स्कूटी के पैसे उन्हें सुपुर्द किए हैं, तो ये वो एक वैधानिक संबंध स्थापित नहीं कर रहा था, वो एक रिश्तेदारी निभाई जा रही थी। तो गौर करें विद्यार्थियों, कोई भी वैध प्रतिफल जरूरी कब होगा? वैध प्रतिफल जरूरी है, वैध प्रतिफल होना चाहिए, प्रतिफल के बिना ठहराव हमेशा हमेशा, गौर करें, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठहराव हमेशा व्यर्थ होता है। प्रतिफल से तात्पर्य कि कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है, कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है, तो ही वो प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल के बिना कोई भी अनुबंध या ठहराव व्यर्थ होता है, बिना प्रतिफल के अनुबंध नहीं हो सकता है, वे प्रतिफल होना जरूरी है। इस प्रकार ये वैधानिक प्रतिफल। अगला बिंदु आठवां है वैधानिक उद्देश्य। विद्यार्थियों, कोई भी हम अनुबंध कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, चोरी चपाटा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इलीगल काम नहीं होना चाहिए, जो सरकार के नियमों के विरुद्ध हो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोक नीति के विरुद्ध हो, जो नीति के विरुद्ध हो, वो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो अनुबंध करने का, जो व्यवसाय करने का, वो बिल्कुल विधान के अंदर निहित होना चाहिए। गौर करें, अनुबंध करते वक्त ठहराव का उद्देश्य वैधानिक हो, अर्थात राजनियम की दृष्टि से वो मान्य हो, बिल्कुल एकदम राजनियम की दृष्टि से वो मान्य हो। जैसे कि मैंने किसी अपने मित्र से किराने की दुकान खरीदी, किराने की दुकान खरीदी और किराने की दुकान खरीदकर अब मैं उसके अंदर इलीगल कोई काम चला रहा हूं, तो ये अनुबंध राजनियम के दृष्टि से मान्य नहीं है। मैंने किराने की दुकान खरीदी है तो मुझे किराना ही चलाना पड़ेगा जो राजनियम के अंदर निहित है, जो वैधानिक प्रावधान है। मैं किराने की दुकान खोलकर अलग कुछ कार्य कर रहा हूं, उसके अंदर इलीगली कोई काम कर रहा हूं, तो फिर वो अनुबंध सही अनुबंध नहीं होगा, राजनियम के द्वारा मान्य नहीं होगा। और ठहराव का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, और ठहराव से तात्पर्य है ठहराव करने का उद्देश्य अवैध, अनैतिक, अनैतिक नीति के विरुद्ध अथवा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो ठहराव होगा
वो अनैतिक नहीं होना चाहिए। लोक नीति जो हम समाज के अंदर रहते हैं, लोक नीति के अंदर जो हमारे प्रावधान बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार होना चाहिए, उनसे हटकर नहीं होना चाहिए। ठहराव का मतलब को जो प्रस्ताव है, जो स्वीकृति भी प्रदान हो रही है, उसके बीच में एक ऐसा समझौता होना चाहिए जो अनुबंध राजनियम के विपरीत ना हो। मैं किराने की दुकान खोलकर इलीगली कुछ जो सरकार के राजनियमों से हटकर कुछ ऐसे माल बेच रहा हूँ, जो गलत कार्य कर रहा हूँ, तो वो अवैध चीजें कहलाएगी। विद्यार्थी करने का उद्देश्य अवैध अनैतिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यही वैधानिक उद्देश्य अवश्य जरूरी है। निश्चितता, विद्यार्थियों कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसमें निश्चितता होनी जरूरी है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि ऐसे विद्यालय के अंदर पढ़ाते हैं तो हमारी निश्चितता है कि सुबह 7 बजे से लेकर हमें 12:30 बजे तक आना है, उसके अंदर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पहला घंटा इंग्लिश का लगेगा, ये निश्चितता होती है। फिर 3 पीरियड होने के बाद इंटरवल होगी, इंटरवल के बाद वापिस क्लासेस लगेगी, ऐसी हमारी निश्चितता होती है। उस प्रकार अनुबंध के अंदर भी निश्चितता होगी। मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ, किसी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, मैं पेन को बेच रहा हूँ, तो इस पेन की कीमत की निश्चितता होगी, इसके मूल्य की निश्चितता होगी, ये इसकी क्वालिटी क्या है इसकी निश्चितता होगी, इसके मापदंड की निश्चितता होगी, किस समय मैं इसको बेचूंगा और किस जगह डिलीवरी करूंगा, किस जगह मैं उसको सुपुर्दगी दूंगा, तमाम प्रकार की बातें एकदम निश्चित होनी चाहिए, तो ही ये अनुबंध के अंदर अनुबंध राजनीति के द्वारा परिवर्तनीय और बिल्कुल वैधानिक अनुबंध होता है और ये ठहराव बिल्कुल स्पष्ट होता है। निश्चितता, निश्चितता किसी भी अनुबंध में अनिवार्य है, निश्चितता अनिवार्य है। उस ठहराव जो हम ठहराव करते हैं, उस ठहराव की शर्तें होनी चाहिए। कैसा ठहराव हो, किस प्रकार, जैसे कि मैं आपसे कुछ, वैसे मैंने उनसे कार खरीदी और मैंने कार खरीदने के दौरान बोला कि आपसे मैं ये जो 1,00,000 रुपए की कार ले रहा हूँ, मैं इस 1,00,000 रुपए आपको 3 किस्तों में चुकाऊंगा, ये ठहराव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। उसका अर्थ बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, मूल्य निश्चित होना चाहिए, मात्रा हमको बड़ी मात्रा में कोई क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो मात्रा भी निश्चित होना चाहिए। सुपुर्दगी का समय क्या होगा, किस समय मैं आपको सुपुर्द करूंगा, उन बातों का उल्लेख होना चाहिए, कौन से स्थान पर करूंगा, निष्पादन की विधि यानी करने का तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम अनुबंध करेंगे, वो माल की प्रकृति, वो माल किस प्रकार का है, उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या कमी है, क्या इसके अंदर गुणवत्ता है, उन तमाम प्रकार की बातों की यहाँ उल्लेख होगा, तो ये निश्चितता कहलाती है। इस प्रकार हमने पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति को पढ़ा, वैधानिक प्रतिफल को पढ़ा और वैधानिक उद्देश्यों को पढ़ा और निश्चितता को पढ़ा, ऐसे बिंदु को पढ़ा। एक दो बिंदु और रह गए हैं, उस बिंदु के बारे में हम बात करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, दो बिंदुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो अंतिम बिंदु है इस लक्षण के बारे में। ठहराव स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। ये बिंदु ये कह रहा है कि ठहराव जो हम करते हैं, जो प्रस्ताव रखते हैं, स्वीकृति रखते हैं, वो स्पष्ट रूप से एकदम वैध घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, तो वो अनुबंध की दृष्टि से कभी भी बाधित नहीं होगा, वो अनुबंध नहीं होगा। गौर करें विद्यार्थियों, ठहराव स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। जो ऐसे ठहराव जो पहले से प्रथम दृष्टा से दिखते ही क्या हो, वैध हो, वो कभी भी वैध नहीं हो सकते। और स्पष्ट रूप से जो पहले से ठहराव वैध होते हैं वो वैध ही रहते हैं, कभी भी वैध नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार गौर करें, ठहराव स्पष्ट रूप से वैध घोषित नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो स्पष्ट रूप से या फिर प्रथम दृष्टया देखते ही वैध घोषित होते हैं, ऐसे ठहराव कभी भी वैध ठहराव नहीं हो सकते। कुछ विद्यार्थियों ऐसे ठहराव होते हैं जो प्रथम दृष्टया पहली कड़ी पर, पहले ही स्तर पर वो व्यर्थ घोषित होते हैं, बिल्कुल एकदम व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ का मतलब है जो वेद नहीं हो, हम कहते हैं ना कोई भी चीज अब क्या हो गई, व्यर्थ हो गई, अभी कुछ काम की नहीं, वेद नहीं, व्यर्थ। ऐसे ठहराव कभी भी वेद नहीं हो सकते, वो व्यर्थ घोषित ठहराव होते हैं। अब वो व्यर्थ घोषित ठहराव कौन कौन से हो सकते हैं, गौर करें विद्यार्थियों। अगर एक 18 साल से कम व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, 18 साल से कम व्यक्ति अनुबंध करता है तो वो पहले से ही वैध ठहराव है, वो कभी भी वैध नहीं हो सकता। एक मानसिक रूप से पागल
मानसिक रूप से पागल अनुमान करता हो तो वो पहले से ही वैध है, एक दिवालिया व्यक्ति करता हो वो पहले से ही वैध है। कुछ ठहरा वैसे हो जो अड़चन डालते हो बीच में, कुछ ठहरा वैसे हो जो अड़चन डालते हो ऐसे व्यापार के अंदर, वो भी पहले से ही वैध ठहरा हुआ है। ये तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण है जो पहले से ही वैध होते हैं, तो ये ठहराव वैध ठहराव कहते हैं, और वैध घोषित ठहराव होते हैं जो अनुमत नहीं हो सकता, इसमें ऐसे ठहराव कभी भी वैध नहीं हो सकते। अंतिम बिंदु है हमारा वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना। वैधानिक औपचारिकताएं जो हम अनुमत करते हैं विद्यार्थियों, जब हम अनुमत करते हैं तो वैधानिक औपचारिकता ये हो सकती है कि अनुबंध लिखित हो, अनुबंध लिखित हो, साक्षी हो, इसके अंदर कोई बीच में दो व्यक्ति अनुबंध कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति साख देने वाला हो, साक्षी जो प्रत्यक्ष हो, प्रमाणित हो, अनुबंध प्रमाणित हो, प्रमाणित हो, रजिस्टर्ड हो, प्रमाणित हो और रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, इन तमाम प्रकार की बातें ये वैधानिक एक अनुबंध वैध एक वैध अनुबंध करने के दौरान हमें अनुबंध के अंदर लिखित हो, बिल्कुल साक्षी हो, प्रमाणित हो और रजिस्टर्ड हो, ये तमाम प्रकार की बातें अनुबंध के अंदर होनी जरूरी है। कुछ ऐसे भी अनुबंध हो सकते हैं विद्यार्थियों, कुछ अलग अलग प्रकार के अनुबंध भी ऐसे हो सकते हैं, ये सब अनिवार्यता है। कुछ ऐसे अनुबंध हो सकते हैं जो ये इनका होना अनिवार्यता है, मगर सामान्यता कुछ ऐसे हम जब अनुबंध करते हैं, सामान्यतः ऐसे अनुबंध करते हैं जो लिखित हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं और गर्भित भी हो सकते हैं। विद्यार्थी गर्भित के बारे में मैं आगे पूरी चर्चा करूंगा, किस दृष्टि में लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं और गर्भित भी हो सकते हैं। अब मौखिक एक दूसरे से आपस में बात की और अनुबंध हो जाएगा, मगर प्रमाणित रजिस्टर्ड नहीं है, मगर ऐसी कभी कभी ऐसी कंडीशन में हम मौखिक अनुबंध भी कर सकते हैं। गर्भित के अंदर एक ऐसा अनुबंध जो लिखित नहीं हो, मगर दोनों पक्षकारों के आचरण से हमें पता चल जाए कि इन्होंने इस प्रकार का अनुबंध किया है। ये शब्द गर्भित शब्द होता है जो आचरण से हम जो अनुबंध करते हैं, क्या हमारा ये ऐसा लगता है कि जैसे कि दो व्यक्ति बैठे हैं, दूसरे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपना मकान बेच दिया, किस कीमत पर बेचा है उनके बीच में बात हो गई है। या फिर मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं कि आप मैं अपने कमरे में बैठा था और अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था, दूसरा मित्र आया मेरे पास, उसने उस किताब को उठाया और वो किताब लेकर चला गया पढ़ने के लिए। अब मैंने उसको रोका नहीं उस किताब ले जाने के लिए कि आप क्यों किताब मेरी लेके जा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, और वो किताब लेके गया। मेरे दिमाग के अंदर ये है कि वो किताब पढ़ रहा है, अभी मुझे इस किताब की जरूरत नहीं है, और किताब लेके जाके पढ़ रहा है, मुझे वापिस प्रदान कर लेगा या फिर वो ले लेगा, मैंने उसे नहीं रोका। तो ये मेरा एक आचरण है, मेरे आचरण से ही पता चल गया कि वास्तव में वो किताब लेके जा रहा है, तो हमारे बीच में कैसा अनुबंध हो रखा है, शायद मैंने उसे कहीं पहले कभी किताब ली हो। तो आचरण से ही अनुबंध हो जाते हैं, जो लिखित और मौखिक कुछ नहीं होते हैं, आचरण यानी गर्भित अनुबंध होते हैं जो आचरण से ही पता चल जाते हैं। विद्यार्थी गौर करें, इस प्रकार हमने अनुबंध के लक्षणों को पूरा कर लिया है। अब हमारा जो अंतिम पड़ाव इस चैप्टर अध्याय 9 का रहेगा वो अनुबंध की टर्मोलॉजी, पूरी उसकी शब्दावली, तमाम प्रकार की 42-43 शब्दावली, एक एक शब्दावली को हम 2-3 वीडियो बनाकर छोटी छोटी इन बातों को समझेंगे। जैसे ये गर्भित शब्द आया है, ऐसे गर्भित शब्द, व्यर्थ, व्यर्थनीय, इस प्रकार कई शब्द आपके सामने आएंगे, उन सब शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और पूरा दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश करें, ये चीज आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी इस कोविड 19 के तहत। धन्यवाद।